हम पर गाड़ी से फायरिंग नहीं की गई। गिरफ्तार पुलिस अहलकारों का अदालत में एतराफ। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार पुलिस अहलकारों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसी कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने सानिया मच पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कहती है दहशत गर्दी को शिकस्त दी, कहाँ है वो शिकस्त। जरदारी के हलके में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कराची में वाटर बोर्ड हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुरम शेर जमा का कहना है कि पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में इक्तदार में है, ये गैस की बात छोड़ें, बताएं शहर में पानी क्यों नहीं है। माजी के हुक्मरानों ने महंगी बिजली के माहिदों से कौमी दौलत पर हाथ साफ किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि माजी के हुक्मरानों ने रेंटल पावर प्लांट्स और महंगी बिजली के माहिदों से कौमी दौलत पर हाथ साफ किया। सिंध काबीना का इजलास, नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए कमेटी कायम कर दी। मुराद अली शाह ने कहा जो गाड़ियां मुरम्मत से इस्तेमाल हो सकती हैं वो अफसरान को दी जाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 91% मरीज सेहतियाब। फॉल केसेस 33,440 रह गए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और योमिया केसेस और अमवात की तादाद में कुछ हद तक ठहराव देखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के सामने आए अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 2,118 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मजीद 52 अफराद दुखमाए अजल बने। पाकिस्तान को इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड का सीरीज में क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड ने फास्ट बॉलर काइल जेमिसन की शानदार बॉलिंग और बल्लेबाजों की बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया।